तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कंपनी के एक वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो चलिए देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, इंटरव्यू होगा या एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, यह जो फॉर्म है ग्रेजुएट लेवल का है, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा टाटा कंपनी की ओर से, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और क्या प्रोसेस है, सब कुछ हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना रूल चेंज कर दिया है। यह कंपनी का नाम है TCS, ठीक है। बहुत बड़ी एक IT सेक्टर की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन आपको ऐसा फील कराएगी कि प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट से भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा फील होगा इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो देखिए, TCS कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और यहाँ पर एक पोस्ट पे अभी आप जो अप्लाई करने के लिए निकला है वैकेंसी, उस पोस्ट का नाम है BPS, ठीक है। BPS पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वैकेंसीज आई हैं। अब इसका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा? तो BBMKU धनबाद में होगा। BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, और स्थान का नाम है भेलाटांड धनबाद, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है? तो कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है, कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप ग्रेजुएट हो, लेकिन आपका जो है पासिंग ईयर 2022 या फिर 2023 होना चाहिए। अगर आप बोलिएगा मैं 2021 में ग्रेजुएशन पास आउट हूँ, क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 22 में ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर पाइएगा, 23 में तो ही कर पाइएगा, 24 में फिर भी नहीं कर पाइएगा, केवल और केवल 22-23, और उसमें भी केवल वही कैंडिडेट जो या तो BA किए हैं या फिर BCOM या फिर BSc या BBA, ठीक है, इन्हीं चार सेक्टर में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर वालों को भी लिया जाएगा साथ में। फॉर्म अप्लाई करने का एक भी रुपया फीस नहीं है। अब बोलिएगा मैंने ग्रेजुएशन के साथ PG भी कर रखा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, अगर आप PG कर रहे हैं, MA MCOM MSc कुछ भी, तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाइएगा। अगर आप बोलिएगा मैं किसी सरकारी संस्थान में या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मुझे इसका वर्क सर्टिफिकेट भी है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अगर आपका अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट हाइड करना होगा, क्योंकि इनको फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आगे देखते हैं, तो आपका यहाँ पर जॉब रोल रहेगा वह कैसा रहेगा, क्या काम करना होगा? तो आपको बैक ऑफिस के साइड में काम करना होगा, डाटा प्रोसेसिंग का काम रहेगा आपका, ठीक है। द जॉब इन्वॉल्व डाटा प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट डेट कब है? तो 22/5/2024 को इसका इंटरव्यू होगा। उससे पहले आप 21 तारीख तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 22 तारीख को इंटरव्यू देने जाना होगा डायरेक्टली, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊँगा, ठीक है। और इंटरव्यू में ये सारे 9 चीज़ लेके जाने हैं। पहला चीज़, आपको फ़ोटो लेके जाना है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, बिना प्रिंट आउट के आपको वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। TCS का प्रिंट आउट लेके जाना है, एप्लीकेशन प्रिंट आउट। चौथा, आपका अपने रिज्यूम लेके जाना है। पाँचवा, आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आई डी कार्ड लेके जाना है या पैन कार्ड, ठीक है। फिर आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी है और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर मार्कशीट लेके जाना है, साथ ही आपको जो है यहाँ पे सभी सेमेस्टर का मार्कशीट और आपको ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल लेके जाना है, इतना चीज़ आपको लेके जाना है। 9th नंबर पे आपको जो है यहाँ पे DT नंबर जनरेट करना है और इस पर सबमिट करना है इस लिंक को, लेकिन DT नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। अब बोलिएगा ये लिंक हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये PDF दे दूंगा, ये पूरा का पूरा 6 पेज का PDF, ठीक है। 6 पेज को PDF आप जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, खुल जाएगा PDF, और इस पर क्लिक कर देना है सिंपली इस लिंक पर। देखिए मैंने कहाँ पर किया, इस लिंक पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी इस तरह से करना है और आपके सामने आपका मोबाइल या लैपटॉप जो भी है खुल जाएगा इस तरह से, ठीक है, TCS का पेज। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर किसी प्रकार के हेल्प चाहिए तो यहाँ पे पूछ रहा, हाय आई एम रेक्सा। कौन रेक्सा है जी? ये छोटका बेबी जैसा जो दिख रहा है यही रेक्सा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे दो प्रकार की पोस्ट है, एक है आईटी सेक्टर में और दूसरा है बीपीएस में। तो हमें अप्लाई करना है बीपीएस में, ठीक है। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस सर्विस, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बीपीएस हरे वाले टिक पे क्लिक कीजिएगा, बीपीएस पे लिखा हुआ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है, ईमेल आईडी देना है, देन आपको ओटीपी पे क्लिक करना है, गेट ओटीपी पे, ठीक है। तो ओटीपी पे मैंने क्लिक कर दिया है, अब आपके ईमेल पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को टाइप करना है, 6 डिजिट का ओटीपी होगा, ठीक है। और ओटीपी को बोला गया है कि बिना आपको मैनुअली टाइप करना है, बिना कॉपी पेस्ट के टाइप करना है, डायरेक्टली कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ओटीपी पे, यार ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है जोरे भाई, क्लिक करने का मैनुअली हम कर रहे हैं यार। शायद दोस्तों ये आपका मोबाइल फ़ोन पे काम नहीं कर पाएगा, ये आपको इसके लिए लैपटॉप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा, मैं अभी लैपटॉप पे जाके करूँगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसके बाद क्या करना है, प्रोसेस आपको पूरा प्रोसेस यहीं से बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, जैसे ही आपका आ जाएगा यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर, देखें कहाँ से किया मैंने, चलिए डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ये देखिए इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी देने के बाद देन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है, ठीक है। फिर आपको अपना कैप्चा कोड, ये ऊपर में जो दिख रहा है 101 सबका अलग अलग आएगा, ठीक है, ये डालना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग आ जाइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको जो है फ़ोन से काम नहीं करेगा, ये आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। रजिस्टर करना है सबसे पहले, यहाँ तक पहुँच गए थे, फिर आपको बीपीएस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर भी पहुँच गए थे। फिर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करनी है, फिर आपको अपना ओटीपी नंबर टाइप करना है, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एक एक करके डिजिट करके टाइप करना है, ठीक है। फिर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन करना है, और लॉगिन कर दीजिएगा जैसे ही, ठीक है, मैंने बताया था लॉगिन करना है कैप्चा कोड देके। फिर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है, ठीक है, आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट अंतिम 4 अंक देना है यहाँ पे। फिर आपको अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम सागर साहब है तो मैं सागर दूंगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम साहब, और कुमार होता तो मिडिल नेम भी दे देते हैं, कुमार नहीं है तो मिडिल नेम को छोड़ देंगे। फिर आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ, देन आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसको क्लिक करना है, ठीक है। आई एग्री टू नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई, सॉरी प्राइवेट नोटिस रहेगा आपका, प्राइवेसी नोटिस, आगे देख लेते हैं। तो प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, देन हमारे सामने इसका एक प्राइवेसी नोटिस आ जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। योर प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट टू अस, चलिए आपकी प्राइवेसी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आई एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। देन आपके सामने यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कि आई एग्री टू नेक्स्ट प्राइवेसी नोटिस, फिर आपका प्राइवेसी नोटिस आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा यहाँ पे, ठीक है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर। देन इंस्टीट्यूट नेम बताना होगा, आपने कहाँ से पास किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन। क्वालिफिकेशन बताना होगा, आपने बीए बीकॉम बीएससी क्या किया है या बीबीए। देन आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने पासिंग ईयर क्या है, 2022 या 23, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे है ईयर ऑफ पासिंग हो गया, सोर्स टाइप, ठीक है, सोर्स टाइप में आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या रहेगा आपका सोर्स टाइप, ठीक है, सोर्स नेम, इसको तो मैं क्लिक नहीं किया हूँ तो आप कैसे बताऊँ, लेकिन आप लोग इजी है, पार लग जाइएगा। नियरेस्ट TCS ऑफिस, तो नियरेस्ट TCS ऑफिस आपको जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेना है लोकेशन सेट कर लीजिएगा। तो नियरेस्ट TCS ऑफिस मैं अपना सेट करूँगा जमशेदपुर या रांची, ठीक है, आप लोग को जहाँ से सेट करना है कर लीजिएगा। देन आपको ये कैप्चा कोड टाइप करना है, ये कैप्चा, ठीक है, ये कैप्चा कोड टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। देन आपको कंफर्म पूछेगा, रजिस्टर आ जाएगा, योर रजिस्टर ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, दोनों दिखाएगा, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका जो है थैंक्स हो जाएगा, उसके बाद आपका DT नंबर आएगा, दिखाता हूँ अभी, कुछ इस टाइप से आपका DT नंबर आ जाएगा। इस DT नंबर को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस DT नंबर को क्या करना है मैं दिखाता हूँ।
उसके बाद आपको फिर से पेज में आ जाना है पीडीएफ पे, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप पूरा हुआ है, दूसरा स्टेप अभी आपको करना है कंप्लीट। दूसरे स्टेप के लिए आपको ये 9 नंबर पे क्लिक करना होगा, ठीक है, ये 9 नंबर पे क्लिक करना होगा, HTTP यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, नाम देना है, ठीक है, देन आपको अपना मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू अ TCS YEP बेनिफिशियरी, अगर आप BPS TCS का लाभ ले रहे हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं ले रहे हैं तो नो कीजिएगा। तो सिंपली मैं नो पे क्लिक करता हूँ, जनरली आदमी नो पे क्लिक कीजिएगा। DT नंबर जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने बोला था, उसको यहाँ पे टाइप कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे कॉलेज नेम बताना है कि आपने किस कॉलेज से अपना पढ़ाई किया है ग्रेजुएशन, तो जो भी कॉलेज का नाम है कॉलेज का नाम लिखिएगा। आपने कौन सा कोर्स किया है, BA BCOM BSc BBA, ठीक है, तो बता देना है, या BCA, तो मैं यहाँ पे सिंपली BA लिखूँगा, BA, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो यहाँ पे अब आपको पूछेगा कि आपका ऑनर्स क्या है, मेंशन यू ग्रेजुएशन स्ट्रीम और स्पेशलाइजेशन, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस किया तो मैं सिंपली यहाँ पॉलिटिकल साइंस लिख दूँगा, मेरा ऑनर्स पेपर है आपका, आप जो भी ऑनर्स पेपर है अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। करंट सिटी बताना है कि आप किस शहर में रह रहे हैं वर्तमान में, तो करंट सिटी मेरा है बोकारो, मैं बोकारो लिख दूँगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी रीटाइप करनी है, ठीक है, दोबारा ईमेल आईडी देना है, वही सेम ईमेल आईडी जो आपने पहले दिया था। करंट स्टेट बताना है, तो मेरा स्टेट है झारखंड, पासिंग ईयर 2022 है, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपको सारे प्रिंट आउट लेके कहाँ जाने हैं, इंटरव्यू देने 22 तारीख को। और अभी जो प्रिंट आउट हुआ TCS का, ठीक है, ये TCS वाला प्रिंट आउट भी करवा लेना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को देख के आपको घुसने दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट ले लीजिएगा और TCS वाला पूरा। चलिए इतना था प्रोसेस, अगर आप इतना कर पाइएगा तो TCS की जॉब ले पाइएगा। आई होप कि इंटरव्यू आपका अच्छा ही जाता है, जनरली आदमी सेलेक्टेड हो ही जाते हैं, ठीक है, तो अच्छा जॉब है यार, एक तरह से गवर्नमेंट की तरह यहाँ पे आपको ट्रीट किया जाता है, गवर्नमेंट से भी बेटर बोल सकते हैं, क्योंकि TCS की जॉब ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस जॉब है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे फ़ोन नहीं करना है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर फ़ोन करना है, ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, ये TCS का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, आप उससे कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं लगेगा तो गूगल से लिखिएगा TCS BPS हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, और आप कॉल करके इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ फ्री है, जाइए इंटरव्यू दीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और जॉब होता है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, पहले ही कर देता हूँ यार, बाय, ठीक है, थैंक यू, इसी तरह से मैं अपडेट देता रहूँगा।